कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भोपाल के शौर्य स्मारक में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 25वें कारगिल दिवस पर कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। कारगिल युद्ध बहुत कठिन युद्ध था और मैं सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज का दिन शहीदों की याद दिलाता है और देश की सुरक्षा के प्रति उनके योगदान का सम्मान करता है। वहीं सीएम मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उनके निधन से बड़ी क्षति हुई है। हम सबका सौभाग्य 26 जुलाई वो दिवस जिसने 25 साल पहले एक ऐसा अद्वितीय इतिहास लिखा जिस पर हर कोई भारतीय गर्व करना चाहेगा। हमारे सैनिकों ने एक दुर्गम चढ़ाई ऊंची पहाड़ों पर जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में जो जीत हासिल की है वो गजब की थी। सभी शहादत करने वाले लोगों का उत्साह उमंग बताता है। कोई अपनी पत्नी से युद्ध में जो बात करते हुए वीडियो जारी कर रहे हैं, कोई माँ से अपनी बात करते हुए जिन्होंने लिखा था कि किसी भी हालत में हम भारत माँ के इस कष्ट में अपने प्राणों का बलिदान कर देंगे लेकिन आंखें नीची नहीं करने देंगे, मैं उन सबको नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। देश सदैव इस शहादत को भूलेगा नहीं और ये दुश्मन को भी ऐसा सबक सिखाता है जो दूसरी बार वो कभी हिम्मत नहीं करेंगे। कारगिल दिवस की सबको बधाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।